नमस्कार दोस्तों, उषा किचन फूड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गाजर और पपाया का बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हूँ। बहुत मस्त बनकर तैयार होता है, जो कि आप आए हुए गेस्ट का भी स्वागत कर सकती हैं और व्रत में भी आप खा सकते हैं और अपने परिवार और बच्चों को भी खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, टेस्टी, आप लोग भी ट्राई करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब ही आपका छोटा सा प्यार है। और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी अगली वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, हम गाजर का बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए, गाजर है, ये पपीता है, इसको हम ग्रेट कर लिए हैं, और हमारी चीनी है, और मूँगफली इसको हम भून लिए हैं, और तिल है। जैसे तिल में बहुत ही विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, सभी तत्व तो पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सब सामान हमारा रेडी, हम चलते हैं गैस की तरफ। देखिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसमें हम ऑयल भी ले चुके हैं। अब इसमें हम अपना पहले पपीता लेंगे, इसको हम चला कर भुनेंगे। देखिए, इसको 2 से 3 मिनट हम भूज लिए हैं, इसकी नमी भी चली गई और हम इसको सॉफ्ट कर लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं हम इसको निकाल लिए। अब इसी तरह हम गाजर को भुनेंगे। गाजर को चलाते हुए बराबर इसे भुना, ताकि हमारा नीचे लगने न पाए। और लगभग हो चुका है, अब इसमें हम लेंगे चीनी। देखिए, हमारी चीनी है, इसमें ऐड करेंगे। देखिए, थोड़ा सा पानी है मिर्च के लिए। देखिए, इसे 2 से 4 मिनट तक इसे बराबर चलाते रहेंगे, ताकि चीनी नीचे लगने न पाए। अच्छे से इसको हम पकाएंगे। देखिए, हमारा गाजर कढ़ाई छोड़ रहा है, समझिए अच्छा सा हो गया है। इसको हम एक प्लेट में तेल लगाकर निकाल लेंगे। दोस्तों, जिस तरह हम गाजर को बनाए हैं, उसी तरह से हम पपीता को भी बना लेते हैं। ये हमारा पहले से ही भुना हुआ है, अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी। ठीक दोस्तों, उसी तरह पकाना है, जैसे हमारे बर्फी बन लगे, चाशनी ना हो जाए, तब तक हम पकाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएगा। अब इसमें हम अपना तिल ऐड कर देंगे। देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हरा फूड कलर डाल दिए हैं, इसे थोड़ा हमारा कलर आ जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखिए हमारा अच्छा से हो गया है। देखिए, कढ़ाई छोड़ दिया है, अब उसी प्लेट में हम निकाल लेते हैं इसको। अब हम पहले वाले ही लेयर पर रखकर इसे हम 2 मिनट के बाद ठंडा हो जाए, बर्फी का आकार में हम कट कर लेंगे। आप इसे 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए हमारा धन्यवाद।